इंडस गेम जो कि फुली मेड इन इंडिया गेम, जिसका ट्रेलर 26 जनवरी को एंड प्री रजिस्ट्रेशन भी 26 जनवरी को स्टार्ट हुए थे। तो आखिरकार ये कब रिलीज हुआ, कब आप इसे डाउनलोड कर पाओगे, कैसे डाउनलोड कर पाओगे सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम आपको करना पड़ेगा, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। इंडस बैटल रॉयल गेम फुली मेड इन इंडिया गेम है, डेवलप्ड बाय सुपर गेम जो कि एक पुणे बेस्ड इंडियन गेम डेवलपिंग कंपनी है। इंडस गेम एक बेस्ट कंपटीटर हो सकता है पबजी एंड फ्री फायर का, एंड हमें इसके ट्रेलर में यूनिक वेपन एंड करेक्टर स्किन एंड डिफरेंट करेक्टर्स भी देखने को मिले हैं। एंड ये हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को भी ग्रो कर सकता है एंड पबजी फ्री फायर जैसे बड़े गेम को भी बीट कर सकता है, बिकॉज पबजी एंड फ्री फायर दोनों इंडिया में बैन है एंड इंडियन गेमर्स को कोई नया तगड़ा सा बैटल रॉयल गेम चाहिए, क्योंकि ये फुली मेड इन इंडिया गेम है इसलिए इसके सारे सर्वर्स भी इंडिया में होंगे एंड इंडियन प्लेयर्स का डेटा किसी दूसरी कंट्री में नहीं जाएगा, जिससे हमारी गवर्नमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एंड ये गेम पबजी फ्री फायर के जैसे इंडिया में बैन भी नहीं होगा। हाल ही में गवर्नमेंट ने भी इंडिया में गेमिंग को आगे ले जाने की बात कही थी। लोग सोच रहे हैं कि ये गेम काफी कम साइज में आएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके ट्रेलर में काफी अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिली है, तो आई थिंक इसका साइज 1 GB के आसपास रहने वाला है या फिर 1 GB से ऊपर भी इसका साइज सकता है। अगर आपके फोन में 3-4 GB रैम है, आपके फोन में ये गेम काफी ठीक ठाक चल जाएगा। कई लोग कह रहे हैं ये गेम 15 अगस्त 2023 को रिलीज होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। प्ले स्टोर का एक रूल है, अगर आप किसी गेम या ऐप को प्री रजिस्टर के लिए डालते हो तो आपको 90 डेज के अंदर वो गेम या फिर ऐप लॉन्च करना पड़ता है। सो ये गेम 90 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा एंड एक्चुअल डेट की बात करें तो आई थिंक ये मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में रिलीज हो सकता है, बिकॉज इंडिया में ज्यादातर प्लेयर्स स्कूल या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं एंड अभी उनके एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन मार्च के एंड में लगभग सभी स्टूडेंट के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग गेम खेलेंगे, जिससे गेम को काफी ज्यादा इनिशियली बूस्ट मिलेगा। आपको ये रीजन थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। जब गेम रिलीज होगा तो डायरेक्टली प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर पाओगे, बाकी अभी आप इसे कहीं से डाउनलोड नहीं कर सकते।